बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, मुख्तार अब्बास नकवी बोल रहे हैं। सांगमा जी की उसके साथ समझौते के से भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में है। इसी तरह से नागालैंड में भी कुछ पार्टियों से समझौते की प्रक्रिया चल रही है, जहां पर कि हम मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी फिलहाल अकेले चुनाव मैदान में है। पार्टी के वरिष्ठ नेता चुनाव के अभियान में, चुनाव के कार्यक्रमों में जाएंगे और हम गंभीरता के साथ इन राज्यों में अच्छा प्रदर्शन करें। 2014 चुनावों की तैयारी में यहां पर बीजेपी और एनडीए के घटक दलों के साथ गठबंधन, आगे भी कैसा हो, किस तरह का हो, उस पर मुख्तार अब्बास नकवी बोल रहे हैं। एक बार फिर से लिए चलते हैं, मुख्तार अब्बास नकवी बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं। इस तरह के दिए थे, लेकिन आज एक देश के गृहमंत्री ने उस चिंतन शिविर के मंच से जो बयान दिया वो निश्चित तौर से बहुत आपत्तिजनक है। न केवल आपत्तिजनक है, जनक है, बल्कि खतरनाक भी है। एक गृहमंत्री इस देश के शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने जैसा बयान दे, अपने राजनीतिक कारणों से, इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात हो नहीं सकती। मुझे कभी कभी लगता है ये कांग्रेस कायरों की जमात हो गई। कांग्रेस कायरों की जमात इसलिए कह रहा हूं कि देश में एक के बाद एक आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, एक के बाद एक देश में आतंकवादी पनप रहे हैं, फल फूल रहे हैं। आतंकवाद से लड़ने का जो हथियार था उसको इस सरकार ने आते ही तोड़ दिया, कोटा खत्म कर दिया, सीमा पार से घुस करके आतंकवादी हमारे यहां हमारे देश में अपनी शैतानी हरकतें कर रहे हैं और हम गुलाब का और शांति का फूल लेकर के उनका स्वागत कर रहे हैं। हमारे जवानों के सर पाकिस्तान के फौज, पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के आतंकवादी मिलकर के काट देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री को उस पर बोलने में बहुत दिन लग जाता है, हमारी सरकार को उस पर रिएक्शन देने पर बार बार सोचना पड़ता है। देश जब आक्रोशित होता है तो मजबूरी में हमारी सरकार पाकिस्तान को चेतावनी देती है, और वो भी ऐसी फुलफुली और फुसफुस चेतावनी जिसको सुनकर के कोई भी इस तरह का शैतानी और दरिंदगी भरी मानसिकता वाला व्यक्ति मजाक उड़ाए। इन सब चीजों पर चुप्पी, आतंकवादियों के प्रति नरमी, और देश में आप धर्म के नाम पर एक संस्था को, एक राष्ट्रवादी संस्था को, आरएसएस को आप आतंकवादी करार दे रहे हैं और एक गृहमंत्री आतंकवादी करार दे रहा है। निश्चित तौर से इसकी माफी मांगना चाहिए श्रीमती सोनिया गांधी जी को, इसको माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी जी को और गृहमंत्री जी को, अन्यथा इसके गंभीर परिणाम होंगे। ये एक्सेप्टेड नहीं है। इस तरह की बात एक गृहमंत्री के माध्यम से कहलाई जाए जिसका कहीं कोई सिर पैर नहीं हो, यह कहकर के आपने वास्तविक आतंकवादियों को क्लीन चिट देने की कोशिश की है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को आपने ऑक्सीजन देने की कोशिश की है और उन आतंकवादी संगठनों को, जो आतंकवादी संगठन की देश में अपनी शैतानी मानसिकता के माध्यम से देश की शांति को बिगाड़ना चाहते हैं, उनको ताकत देने की कोशिश की है। यह बहुत बड़ा गंभीर अपराध किया है और सिर मुड़ाते ही ओले पड़े हैं। अभी तो युवराज की ताजपोशी जिस दिन हुई उसी दिन युवराज के सिर मुड़ाते ही ओले डाल दिए हैं गृहमंत्री ने। इसलिए हमारी मांग है कि माफी मांगे और श्रीमती सोनिया गांधी जी माफी मांगे, अन्यथा इसके गंभीर परिणाम उन्हें झेलने पड़ेंगे।
दरअसल दिक्कत ये हुई है कांग्रेस की, मैंने जैसा कि कहा कि एक डिफाल्टर पार्टी, एक डिफेम्ड सरकार और एक डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट के साथ कर रही सरकार मचल रही है, बेचैन हो रही है। जिन सपनों को उसने दिखाया था लोगों को, उस सपनों के साथ विश्वासघात किया, धोखा किया, नौजवानों के साथ धोखा किया, किसानों के साथ धोखा किया, आम लोगों के साथ धोखा किया। अब एक नया सपनों का सौदागर लेकर के ये फिर सामने आ रहे हैं और वो दिखा रहे हैं कि ये सपनों का सौदागर जो है, ये जो हमने सपने उस किसी वक्त दिखाए थे वो नहीं पूरे हो पाए, अब दूसरा जो है सपनों का सौदागर हम जनता के बीच में लेके आएंगे।